हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं गेस द गेम बाय इमोजी चैलेंज। अब ये हमारे चैनल का पहला चैलेंज है बिकॉज आज से पहले हमने कोई ऐसी वीडियोस बनाई नहीं है और इसको बनाने के पीछे का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि सब कर रहे थे तो सोचा हम भी करते हैं। कैन यू गेस द गेम नेम बाय इमोजी? आई विल डेफिनेटली ट्राई। इन दिस वीडियो देयर आर 20 गेम्स, यू हैव 10 सेकंड्स टू फाइंड द आंसर। मे बी मैं पॉज कर लूंगी। लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट चलो गेस द गेम। अभी इमोजी तो लाओ। ये रॉकेट और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रॉकेट, 9 आदमी। अबे क्या है ये? ए रुक, रॉकेट और 9 आदमी, सच में? मतलब पहला ही इतना बकवास होना रहा है कि बहुत ही अच्छी बात है भाई। मुझे नहीं पता यार, रॉकेट 9 आदमी क्या है ये? Oh my God, shit! पिछले पूरे साल Among Us यार, seriously। अगला देखता, अगला है हमारे पास, पता नहीं क्या है यार ये। Okay, so ये गेम मैं नहीं खेलती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं खेलती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो यार, ये Minecraft है। मतलब जो खेला उसे पहचाना नहीं, जिसे नहीं खेला उसे पहचानते हैं। बहुत अच्छी बात है हमारे पास ये। थर्ड अभी 1-1 हो रखा है भाई, अगला बढ़ेंगे। सो हाँ, अब देखो ये जो गेम है ना, ये गेम सबने खेला है। सबने मतलब सबने। ग्रैंड चोर गाड़ी उप्स, GTA। ठीक है चलो, ये इजी था। पहले वाले से तो बहुत इजी था। अभी चौथा भी देख लेते हैं। हमारे पास चौथा है, क्या है ये? काला भूत। ये क्या है ये? दो घोस्ट हैं, एक ब्लैक डॉट है। रुको भाई, क्या है ये? पता नहीं क्या है यार ये, ब्लैक घोस्ट, काला घोस्ट, दो भूत, काला अंडा, पता नहीं क्या है। देख ही लेते हैं इसे भी। हम बुरी तरीके से इस गेम को हार रहे हैं। डार्क सोल्स, सॉरी टू से, पर मुझे ये गेम भी नहीं पता। काहे का गेमिंग करती हूँ मैं भाई साहब। ये किस लाइन में आ गए आप? काहे का पता नहीं, नौटंकी लगा रखा है मैंने, गेम खेलती हूँ। अगला है हमारा डेविल मे क्राई। ऐसा कुछ है क्या? आई डोंट नो, पर हो तो अच्छा रहेगा यार। बहुत बेइज्जती हो रही है सारे चैलेंज में, क्योंकि कुछ तो सही आंसर निकल नहीं रहा है। तुक्का मारा। तो और कुछ किया नहीं है इस साले ने। कैसे, कौन सा गेम है ये? पता नहीं कौन से देश के गेम है यहाँ पे। हमारे वाले नहीं है ये, हमारे वाले कहाँ है भाई? तुम रुक जाओ, तुम्हें भी सोचना पड़ेगा। ये रोड है, ये बंदा कराटे कर रहा है, चाबुक लेके क्या कर क्या रहा है? ये चिल्ला रहा है, पीठ पे एक तलवार बांध रखी है, सर पे कफन बांध रखा है, क्या कर रहा है ये? सड़क से रिलेटेड, रोड रैश तो नहीं होना चाहिए ये, क्या है ये? अब क्या है इसका जवाब, तो ये हमें खुद ही देंगे। रोड रेज, स्ट्रीट फाइट। इतनी बुरा कैसे हो सकता है यार? स्ट्रीट फाइटर यार, ये इसके लिए तो पता नहीं क्या कहना चाहिए, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 7 आ जाओ भाई। ओके, सो ये वाला हमारे पास है। अब देखो, आसान वाले हमें आते नहीं, मुश्किल वाले हमें आते नहीं, ये वाले पता नहीं कौन सी कैटेगरी में आते हैं, पर कोई बात नहीं, ये कॉल ऑफ ड्यूटी है, कॉड है अपना। अब लगता है सिर्फ वॉर वाले गेम्स पता है मुझे, और कुछ पता ही नहीं है। कॉल ऑफ ड्यूटी, वैसे तो कॉल की जगह टेलीफोन भी हो सकता है। अगला है, क्या है ये? चाकू मार रहा है, असैसिन तो नहीं है, असैसिन क्रीड। तो क्या मार रही हूँ मैं फालतू में, पता नहीं क्या है ये। और ये कंफर्म तुक्का था, बस मैंने उस हाथ को चाकू देख के असैसिन मान लिया था, बस उसे बस तुक्का ही था ये। नंबर 9,
पूरी तरीके से हारते हुए। ये है एक नो एंट्री वाला बोर्ड और ये नक्शा। नक्शे का क्या करूं मैं? रुक जाओ, नो एंट्री भी तो नहीं है, ये बैन वाला है, ये बैन वर्ल्ड। नहीं, क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं हो रहा है, एक नंबर की बेवकूफ इंसान बैठी है इस माइक के पीछे जिसे कोई गेम नहीं पता है। सही पकड़े हैं। अनचार्टेड सच में नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। मैं इन सभी गेम्स के लिए लेके चेक करने वाली हूँ कि पता नहीं कौन से गेम्स हैं ये जो हमें पता ही नहीं है। हाफ हर्ट, दिल धड़कन, हर्ट बीट आधा हर्ट बीट, 1/2 हर्ट बीट। बता दो आंसर, बता दो हमें, हम बेवकूफ। हाफ लाइफ कौन है ये? कौन सा गेम है ये? अपना कुछ नॉर्मल फेमस वाले कॉमन वाले बिल्कुल नहीं है यार, ये अलग ही टफ बना दिया इन लोगों ने, कुछ पहचान वाला नहीं है ये। कौन से कीड़े पकौड़े क्या है ये बॉम्बर मैन है, उसी में कीड़े फोड़ने होते थे हमें, वही हो तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। वो मैं महान हूँ, मैं बहुत महान हूँ। बॉम्ब्स हो तुम, बॉम्ब्स। हाँ तुम एक पहले बताओ मुझे कि ये बॉम्ब्स का इस ब्लास्ट से लेना देना क्या था? होगा यार कुछ हो। चलो आगे बढ़ते। सो ये है, ये क्या है? इट्स अ रेड डॉट विथ अ वार्निंग वाला एक्सक्लेमेशन मार्क, गोले में एक्सक्लेमेशन मार्क। रेड डॉट गेम था, रेड बॉल गेम था। अब ये बहुत ही बचकाने गेम थे, ठीक है कोई बात नहीं। सॉरी फॉर दैट, कमांड एंड कॉन्कर रेड अलर्ट। ओके बहुत ही बुरा। आई गेस जितने यूट्यूबर्स ने ये करा है उन सबसे बुरा मैं ही कर रही हूँ। वॉच डॉग डॉग, क्यारके वाला सॉन्ग, अरे मिका सिंह का गाना, क्यारके वाला गाना। वॉच डॉग्स बोल दो, कुछ तो सही बोल दो, मैं कुछ तो सही बोल दूँ, इतनी देर से पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं। चलो भाई, इज्जत बच रही है थोड़ी सी। गलती से एक आध सही बताया मैंने, गलती सही बताया मैंने, सही बता रही हूँ। अगला है हमारे पास, क्या है ये? झड़ती हुई पत्तियां और आउट, लीफ आउट लीव आउट, लीफ आउट, लाइफ आउट, कुछ तो होगा ऐसा ही। आउट तो आउट ही होगा, बट पहला वर्ड क्या मिलेगा हमें? फॉल आउट, ओ फॉल आउट। हाँ ये भी फिलहाल का काफी फेमस गेम है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये भी नहीं खेला। पता नहीं, ये दो चार गेम जो आते हैं वो खेल लेते, उसके आगे और कुछ खेलना ही नहीं। RIP, इंग्लिश होना चाहिए था यहाँ इसके आगे, जिसकी व्यूज आते ही नहीं है वैसे किसी भी वीडियो के नहीं आते। ए रुको, बकवास के बीच में टाइमर निकल रहा है। RIP, और ये चोर है, चोर को पिछली बार थीफ लिखा था इन लोगों ने GTA में, तो RIP थीफ, रॉबर प्ले कर देते हैं। RIP टॉम्ब रेडर, ये टॉम्ब रेडर कैसे है? ये टॉम्ब रेडर कैसे है? आई वांट एन आंसर, मैंने उसके हर एक पार्ट खेले, ये टॉम्ब रेडर कैसे है? अगर आप में से किसी को समझ में आ रहा है ना, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना टॉम्ब रेडर कैसे है, मुझे जानना है, मुझे नहीं पल्ले पड़ रहा ये टॉम्ब रेडर कैसे हो गया। अगला भी दिखा दो, हम एक नंबर के महान बालक हैं जो हमेशा हारते रहते हैं। अगला, बाकी ये बहुत आसान रहते हैं, इनके सॉन्ग वाले उनसे चालक करते हैं। हाउस ऑफ डेविल, हाउस ऑफ घोस्ट, डेविल वाला होता है ऐसे साइन को, या हाउस ऑफ डेविल, क्या पता ऐसा कोई गेम होगा, आई डोंट नो, मैं तो तुक्के ही मार रही हूँ। रेसिडेंट एविल, सॉरी ये बहुत ही घटिया तुक्का था। एविल डेविल ठीक है, मतलब कुछ नहीं यार। अगला हमारे पास, अगला तो करेंगे, पक्का करेंगे, इसमें करेंगे। रुकते हैं हम, रुकेंगे, इसको सोचेंगे क्या है ये। यहाँ एक ताज है, यहाँ एक एरिया लोकेलिटी है, हर्ड्स हैं, क्लैश ऑफ क्लैंस नहीं होना चाहिए ये। माइनक्राफ्ट हम पहले कर सकते हैं, वैसे माइन का कोई लेना देना भी नहीं है यहाँ पे। क्राउन है, एक लिविंग एरिया है, सोसाइटी है, दो दिल हैं, क्या करें हम? दिल यूजुअली लाइफ के लिए यूज होता है। अब भाई देखो, थोड़ा सोचना पड़ेगा यार, इतनी लगातार गलत कैसे कर सकते हैं हम?
क्या है ये? गलती करते हैं आगे बढ़ते हैं, पता नहीं क्या है ये क्राउन वाला एरिया और ये दिल। यार देखो, समझ में सही से नहीं आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, मे भी तुम लोगों को कन्फर्म आ रहा होगा। ये राज्य है, ये क्या है, दिल है, ये किंगडम हार्ट्स है। देखो देखो, मैं नियर बाय थी, नियर बाय थी, मैं राज्य बोला था मैंने। इतने बुरी तरीके से मैं हार, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये दोगे यार तुम, नहीं मतलब ऐसा नहीं हो रही है, थोड़ा सा टफ चाहिए इसका। मतलब टफ चाहिए पर हारना नहीं है, इट्स मारियो कार्ट बट हारना नहीं है। मारियो कार्ट यही खेले हैं लगता है हमने सिर्फ, ये बचकाने वाले जिन्हें बचकाना ही समझा जाता है। पर यार ये इनका अलग ही क्रेज रहा है हमेशा से। क्या है ये दो तलवार टकरा रही हैं और ये बिजली कड़क रही है। रोक लेते हैं, सोच लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या हो सकता है। तलवार फाइट, फाइट थंडर, थंडर दूसरा वर्ड थंडर है। थंडर वाला कौन सा गेम है बे? फालतू मास रही हूँ मैं क्योंकि मुझे नहीं पता इसका आंसर। क्या हो सकता है ये? थंडर 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 स्टॉर्म फाइट थंडर, पहला वर्ड फाइट से रिलेटेड कुछ होना चाहिए यार, तलवारें चला रखी हैं इसने। पर अगला वर्ड थंडर है, इतना तो कंफर्म हो रहे हैं हम। देख लेते हैं इसका आंसर भी, और ये है वॉर थंडर। ठीक है, फाइट नहीं वॉर है, वॉर थंडर है। हम महा बेवकूफ़ लोग हैं जो इस गेम को खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये गेम बनाया गया है बहुत इंटेलिजेंट लोगों के लिए और हम बेवकूफ़ हैं। अब वापस से राजा है, ओ इट्स प्रिंस ऑफ पर्शिया, जा रानी अपनी अपनी प्रिंसेस को बचा, टाइम पास मत कर, जा 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 प्रिंस ऑफ पर्शिया टाटा। देखा देखा, इतना इतना अच्छे से पता है, पता है अब इतना लेवल तक की बात ही अलग है। अब देखो आज की वीडियो में तो इतना ही था। हाँ बहुत ही बचकानी वीडियो है ये क्योंकि इसमें कुछ करने को होता नहीं है। अब मैंने तो बहुत बहुत गलत कर रखा है, बट मुझे बताना तुम में से कितनों ने कितने गेस सही कर लिए हैं। और हाँ, टॉम रेडर वाला सवाल अभी भी है कि वो टॉम रेडर कैसे था। सो दैट इज़ इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जैसे मैंने कहा कि कमेंट वमेंट कर देना, थोड़ी इंगेजमेंट बढ़ा देना। व्यूज़ तो वैसे भी नहीं आ रहे, इंगेजमेंट भी बढ़ जाएगी तो पता नहीं वीडियोज़ क्या ही बनाएंगे हम। तो वीडियोज़ देख लो जाके आगे की भी, और अगर ये पसंद आई तो बता देना, अगला पार्ट भी बनाएंगे क्योंकि इसमें मेहनत कम लगती है।